start a show, you don't expect ki matlab 1000 honge, 100 honge, 50 honge ya 10 honge. So hum bas set par masti karte hain aur masti karte karte 1000 ho gaye. Bas aise hi aur ho jaye. I'm really happy. Aaj 1000 episode complete hue hain, kal 5000 ho. Meri to yahi wish rahegi and bahut khush hu ki main show ka part hu. नंबर वन शो है या इतना सुपर हिट चल रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी. कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता. अगर प्रोसेस होता तो सब हजार करते. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कम टुगेदर, अ ग्रेट कास्ट, अ ग्रेट टीम, अ ग्रेट डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, चैनल, मतलब ऑडियंसेस टू लाइक अ शो. सो देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला. अगर एक प्रोसेस होता तो सभी शोज हिट होते. मैंने कुछ शोज किए हैं जो नॉट सो सक्सेसफुल रहे, कुछ शोज थे जो सक्सेसफुल रहे. तो एक तरह का एक शो का कमिंग टुगेदर होता है एंड आई थिंक एवरीथिंग हैज कम टुगेदर फॉर दिस शो, बी इट द कास्ट, द राइटिंग टीम, द डायरेक्शन एंड द चैनल. एवरीवन पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और एक पॉजिटिव तरीके से सब काम करते हैं, सब इंजॉय करते हैं और वो सब स्क्रीन पर दिखता है. आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी विल ऑल मीट इसी बहाने एंड इट्स फॉर्चुनेट दैट वी रीच्ड हियर एंड वी शुड वर्क हार्डर. आई थिंक यू नो ये सालों सालों की मेहनत है और सालों सालों तक उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत और इंजॉय करके काम किया. यू नो जब मैं ब्रह्मराक्षस शूट करती थी तो बिल्कुल मेरे बाजू में कुमकुम भाग्य शूट करता था एंड मैं देखती थी कि सारे सब लोग इतने प्यार से, इतने मिलजुल के काम करते हैं. तो आई थिंक दिस शो 1000 नहीं है तो बहुत 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 ज़्यादा एपिसोड्स क्रॉस करने वाले हैं. 1000 एपिसोड बहुत बड़ी बात होती है और मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी बात है कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ सेकेंड टाइम, बिकॉज मैंने पवित्र रिश्ता का भी ये जर्नी देखा था और अब मैं कुमकुम भाग्य का भी पार्ट हूँ और ये जर्नी रिपीट हो रही है. तो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम और शोभा मैम, कि उन्होंने इन दोनों शोज का मुझे पार्ट बनाया. बीइंग द पार्ट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स, बीइंग द पार्ट ऑफ दैट सेम टीम, बीइंग द लाइक अ व्हाट इज स्पिन ऑफ कुमकुम भाग्य, I think I'm really excited, I'm really happy about it. इतने सारे एपिसोड्स इतने सक्सेसफुली कंप्लीट करना और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, इतने अच्छे व्यूअरशिप के साथ, इट इज़ एन अचीवमेंट. आजकल के दौर में जब शोज स्ट्रगल करते हैं एक एक दो दो महीना, छः महीने के लिए, इतने सारे एपिसोड्स कंप्लीट कर लेना, इट इज़ कमेंडेबल. एंड कुमकुम भाग्य ने हमेशा ही अच्छी स्टोरीज पे वर्क किया है, बालाजी ने इतने अच्छे से काम किया है इस पूरे शो पर, सो माय कांग्रेचुलेशंस टू देम. ऑलवेज फील्स नाइस व्हेन यू अचीव समथिंग इन लाइफ एंड दिस इज एन अचीवमेंट फॉर द शो, सो रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है और समझ ही नहीं आ रहा कि टाइम कहाँ उड़ गया. एकता के किसी शो के लिए नई बात तो है नहीं एंड आई थिंक कुमकुम भाग्य के 1000 तो जस्ट शुरुआत है. आई थिंक बहुत ज़्यादा एपिसोड्स आने बाकी हैं एंड उम्मीद करें कि ये कुमकुम भाग्य चलता ही रहे एंड इसके बहुत सारे आपको अलग अलग पहलू देखने मिले. मैं सबसे बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया सबका जिन्होंने इस सीरियल को इतना सराहा, अपने दिलों में बिठाया. और कभी कभी हम भी हो जाते हैं कि अरे मतलब कुछ स्टोरी में ऐसा भी चल रहा है, लेकिन ऑडियंस का इतना सारा प्यार है, मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर से वो कनेक्ट करती है. क्योंकि मैं अगर कभी इंडिया से बाहर भी जाती हूँ या कहीं इंडिया ऋषिकेश में शुभ मंगल सावधान की शूटिंग पे भी गई थी तो वो सब अरे तुम प्रज्ञा को नहीं लाई, अरे तुम्हारा ये, तो दे कनेक्ट विद द कैरेक्टर सो मच कि उनको मैं सरला ही नजर आती हूँ, तो अच्छा लगता है. मतलब थैंक यू ऑडियंस फॉर दैट कि वो हमें इतना सारा प्यार करते हैं.